नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप लोगों से संस्कृत भाषायाः शिक्षणम् में प्रतिदर्श प्रश्न पत्रम सप्तम सीटेट 2019 से संबंधित प्रश्न आपके सामने हैं। आइए देखते हैं इनको हम कैसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या एक में लिखा है कि पूर्ववाचन गतिविधि इत्यस्य प्रमुखोद्देश्य अस्ति। पूर्ववाचन शिक्षक के द्वारा जो पूर्ववाचन किया जाता है, गतिविधि माने की गई क्रिया, इत्यस्य प्रमुखोद्देश्य अस्ति, इसमें से प्रमुख उद्देश्य क्या है। शिक्षक के द्वारा पहले किया गया वाचन, पूर्ववाचन की गतिविधि माने क्रिया, की गई क्रिया इत्यस्य प्रमुखोद्देश्य अस्ति, इसका प्रमुख उद्देश्य है क्या। प्रमुख उद्देश्य है शिक्षक के द्वारा पूर्ववाचन की गई क्रिया, शिक्षक के द्वारा पूर्ववाचन की क्रिया का इसमें से क्या, इत्यस्य माने इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन लिखा है छात्राणाम ज्ञानम वृद्धि। शिक्षक जब पूर्ववाचन करता है पुस्तक लेकर के, जब वह पठन पाठन करता है, सस्वर वाचन करता है, तो क्या इससे छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है, अर्थात छात्रों के ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है। जब शिक्षक पढ़ता है तो सिर्फ वाचन का कार्य चल रहा है और छात्र उसको सुन रहे हैं और सुन करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन ए भी नहीं होगा। पाठे रुचि वर्धनम, जब शिक्षक के द्वारा सस्वर वाचन किया जाता है तो छात्रों में पढ़ने में रुचि की वृद्धि होती है, रुचि बढ़ता है, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। आनंद प्रदानम अनुभवानाम ज्ञानम, आनंद प्रदान के साथ साथ अनुभवों का ज्ञान होता है, अर्थात यह भी नहीं होता है। आनंद तो मिलता है लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है। नूतन शब्दानाम पाठनम, नवीन शब्दों का पढ़ना, ठीक है ना, यह भी नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। फिर प्रश्न संख्या दो में लिखा है भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेषु कतमं व्यवहारवादस्य सिद्धान्तम् न अनुसरति। भाषा शिक्षण के लिए नीचे लिखे हुए कौन सा व्यवहारवाद के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। भाषा शिक्षण के लिए नीचे लिखे गए कौन सा व्यवहारवाद के सिद्धांत का न अनुसरण नहीं करता है। भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, जो व्यवहारवाद की प्रक्रिया है, भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहितम यंत्रम, यह जो भाषा शिक्षण के लिए अंतर्निहित यंत्र होता है, अंतर्निहित जो यंत्र की बात कर रहा है यहाँ अंतर्निहित, तो अंतर्निहित जो होता है वह संप्रेषणात्मक होता है, न कि व्यवहारात्मक होता है, अर्थात ऑप्शन आपका यही सही होगा, ठीक है, यह नहीं करता है। बाकी अनुकरण दृढ़ीकरण च, जब भाषा शिक्षण में बताया जाता है तो व्यवहारवाद के अनुसार बच्चों में अनुकरण और दृढ़ीकरण होता है। कंठस्थीकरण अभ्यासम च, भाषा व्यवहार माने अनुसरण, व्यवहार माने अनुसरण, अनुसरण के द्वारा छात्र अनुकरण करते हैं और उनमें दृढ़ीकरण की व्यवस्था उत्पन्न होती है, कंठस्थीकरण होता है और अभ्यास करते हैं और अभ्यास निर्माण की प्रक्रिया उनमें होती है, अर्थात बी और सी और डी इस प्रश्न से मिलते, इस व्यवहारवाद से मिलते हुए हैं। लेकिन जो न कह रहा है, न का अर्थ है अर्थात ए, भाषा शिक्षण के लिए अंतर्निहित यंत्र जो होता है व्यवहारवाद के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। जो अंतर्निहित यंत्र है वह संप्रेषणात्मक का अनुसरण करता है, संप्रेषणात्मक क्रिया होती है, न कि व्यवहारवाद की क्रिया होती। व्यवहारवाद की क्रिया जो होती है वह अनुकरण के माध्यम से, कंठस्थीकरण के माध्यम से, अभ्यास निर्माण प्रक्रिया, अभ्यास निर्माण की प्रक्रिया अभ्यास के द्वारा और दृढ़ीकरण के द्वारा, ये तीनों होते हैं, लेकिन ये अंतर्निहित यंत्र इसमें नहीं होता है, तथार्थ न की बात यहाँ पर आई है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। फिर आता है प्रश्न संख्या तीन में लिखा है कि भाषा शिक्षण से संप्रेषणात्मक पक्षम, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक पक्ष क्या होता है। संप्रेषण माने अंतर मन में होने वाली क्रिया, संप्रेषण का अर्थ है कि अंतर मन में होने वाली क्रिया क्या है। तो वाचन कौशले बलम ददाती, वाचन कौशल में बल मिलता है। जब भाषा शिक्षण का कार्य होता है, जो भाषा पढ़ाई जाती है, तो छात्रों में बोलने की कुशलता का विकास होता है, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही होगा, ए सही है इसमें, और बी सी और डी नहीं होंगे, क्योंकि संदर्भों में
विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का कौशल, भाषा प्रयोग के कौशलों के बल, कौशलों में बलम ददाति, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के कौशलों में बल देता है। यह नहीं होगा, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, मातृभाषा का प्रयोग का निषेध नहीं करता है। मातृभाषा में जितना बच्चा दक्ष होगा उतना ही उसको द्वितीय भाषा में वह दक्ष होगा, ठीक है। भाषा संरचनायाः ज्ञानेषु बलं ददाति, भाषा निर्माण, भाषा संरचना के ज्ञान में बल प्रदान करता है, भाषा ज्ञान, भाषा संरचना के ज्ञान में बल देता है। यह भी नहीं होता है, अर्थात भाषा शिक्षण जो संप्रेषणात्मक की बात यहाँ आ रही है, संप्रेषण का अर्थ होता है वाचन कौशल में बल देना, संप्रेषण अथवा रचना, जैसे जैसे शिक्षक बोलता है उसी प्रसार से, उसी प्रकार से छात्र भी अनुसरण करके बोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो यह वाचन कौशल में यह वृद्धि देता है। फिर प्रश्न संख्या 4 की बात आती है, भाषा शिक्षण से स्वाभाविकतायाः सिद्धान्तेन कस्य वचनेषु ध्यानं महती आवश्यकतामस्ति, भाषा शिक्षण के स्वाभाविकतायाः सिद्धांत के द्वारा किन वचनों का ध्यान देना अति आवश्यक होता है, महती माने अति आवश्यक होता है। तो छात्राणां नित्यं संस्कृतं श्लोकानां गानं कुर्यात्, छात्रों को नित्य संस्कृत श्लोकों का गान करना चाहिए। अध्यापकानां स्वसंस्कृत श्लोकानां सस्वर पठनेषु दक्षं भवेत्, अध्यापक अपने संस्कृत श्लोकों के सस्वर वाचन के पठन में दक्ष होना चाहिए। कक्षायाम अंतः बहिः वा अध्यापकः यथा संभवम सरल संस्कृते वार्तालापं करोति, अर्थात इसका ऑप्शन जो होगा वह सी होगा, क्योंकि स्वाभाविकता का जो सिद्धांत होता है, स्वभावतः जो बच्चों में स्वभाव माने अनुकरण, ठीक है, अगर बच्चे को विद्यालय के अंदर और बाहर उसे संस्कृत में ही बात की जाए, संस्कृत भाषा में ही क्रिया प्रतिक्रिया की जाए, तो बच्चे के अंदर स्वतः जिस प्रकार से मातृभाषा का विकास होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ समय बाद परिवार की भाषा को सुनते सुनते बड़े सहज ढंग से हिंदी भाषा में बोलना प्रारंभ कर देता है, उसी प्रकार से यदि छात्र को स्वाभाविकता का जो सिद्धांत है, स्वभावतः, क्योंकि बच्चों में भाषा सीखने का सहजवादी सिद्धांत होता है, जैसा कि अब्राम नाम चौमस्की ने स्वीकारा है, वो सहजवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, और बच्चे में सहज ही भाषा का विकास होता है। तो अगर विद्यालय के अंदर, विद्यालय के बाहर संस्कृत भाषा का अगर यह शिक्षण चल रहा है, अगर उसको द्वितीय भाषा का ज्ञान कराना चाहते हैं, तो विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर उससे संस्कृत में ही बात की जाए, तो बच्चा धीरे धीरे संस्कृत भाषा को सीख करके बड़े ही सहजपूर्ण से संस्कृत भाषा को सीख जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, अंतः माने अंदर, बहिः माने बाहर, अध्यापक यथासंभव सरल संस्कृत में वार्तालाप करे, तो जिससे बच्चे में स्वाभाविकता के सिद्धांत के आधार पर उसमें संस्कृत भाषा का विकास हो सकेगा। अर्थात ऑप्शन ए भी नहीं होगा, यदि छात्र ने तो संस्कृत श्लोकों का गान करेंगे तो इससे भी नहीं होगा। अध्यापका नाम स्व संस्कृत श्लोका नाम सस्वर पठनेषु दक्षं भवेत्, इससे भी नहीं होगा, अर्थात ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा। मौल्यांकनम नाम, मौल्यांकन अर्थात मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन होता है व्यक्ति या वस्तु के लक्ष्य को निर्धारित करना, ठीक है ना। तो लक्ष्य को निर्धारित करना, लक्ष्य सिद्धि मापनम जो होता है, यह मौल्यांकन का ऑप्शन है, न कि वार्षिकी परीक्षा का होता है, न रचनात्मक संकलनात्मिका च परीक्षा, रचना के आधार पर और संकलन के आधार पर जो परीक्षा होती है यह भी मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है। कक्षा परीक्षा सह आकलन एकीकरणम, कक्षा परीक्षा के साथ आकलन को एकत्रीकरण करना, ठीक है, यह भी नहीं होता है। फिर प्रश्न संख्या 6 की बात आती है, उपचारात्मक शिक्षणम अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण होता है, क्या होता है, तो निदानम अधिगमनात्मक रिक्ति पूर्णम च, निदान के द्वारा जो अध्ययन किया गया होता है, निदान के द्वारा बच्चे में कमी का पता लगा करके अध्ययन करके जो उसकी रिक्ति को पूर्ण कर दिया जाता है। रिक्ति को पूर्ण करना मतलब निदान का अर्थ है कि बच्चे की कमियों को पता लगा करके जो कमी रह गई है, जो रिक्त रह गया है, उसको ही पूर्ण कर देना उपचारात्मक कहलाता है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा।
निदान के द्वारा अध्ययन करके, निदान के द्वारा पता लगा करके बच्चे में जो रिक्त रह गया है, जो कमी रह गई है, उसको ही पूर्ण कर देना, बता देना, उसकी समस्या का समाधान कर देना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ रिक्त का मतलब है कमी और पूर्ण का अर्थ है भर देना। निदान के अंतर्गत अध्ययन करके, पता करके कि बच्चे में क्या कमी है, क्यों इसको पढ़ना लिखना बोलना नहीं आ रहा है, इस प्रकार की कमियों का अध्ययन करके पता लगा करके उसकी कमियों को दूर कर देना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अर्थात ऑप्शन ए सही होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली छात्रों के द्वारा शिक्षण यह भी नहीं होगा। पाठ्यक्रमोत्तर शिक्षण, पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण करना यह भी नहीं होगा। अतिरिक्त शिक्षण, अलग से शिक्षण करना यह भी नहीं होगा। फिर प्रश्न संख्या 7 की बात आती है, उपचारात्मक शिक्षण इतनेन अभिप्रायः अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण इससे अभिप्राय है, उपचारात्मक शिक्षण इससे क्या अभिप्राय है। तो छात्राः किमर्थम अवगंतुम असमर्थाः, छात्र क्या जानने के लिए असमर्थ हैं, छात्र किस लिए जानने के लिए असमर्थ हैं, अर्थात छात्रों को क्या कमी रह गई है जानने के लिए। असामर्थ्यम च दूरी कर्तुम के उपायाः इत्यर्थम करणीयाः प्रयास, उस असमर्थता को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, इति अर्थम करणीयाः प्रयास, इस अर्थ को करने के लिए अर्थात इस प्रकार की प्रक्रिया को करने के प्रयास को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अर्थात छात्रों की कमियों को जानना कि वो किस कारण असमर्थ हैं और उनकी उस असमर्थता को दूर करना, दूर करने का जो उपाय होता है, इस प्रकार के अर्थ को, अर्थ करने के प्रयास को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अर्थात इसका ऑप्शन ए सही होगा, न तो विद्यालय के उपरांत होगा, न तो लेखन समीक्षा के अंतर्गत होगा और न डी होगा। फिर प्रश्न संख्या 8 की बात आती है कि साहित्य शिक्षण किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, साहित्य शिक्षण में किम सर्वाधिकम, क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य के शिक्षण में चाहे गद्य साहित्य हो, चाहे पद्य साहित्य हो, चाहे नाट्य साहित्य हो, इन साहित्यों के पठन संबंध में सबसे अधिक क्या आवश्यक है। ठीक है ना, अगर आप गद्य पढ़ रहे हो या पद्य पढ़ रहे हो या नाटक पढ़ रहे हो, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि उसके संदर्भ को जाने कि यह क्या है, यह किस विषय में बताया जा रहा है। तो जब बच्चों को आप बताएंगे तब तो समझेंगे कि इस प्रकार की कथा का चल रही है। जैसे मान लीजिए अभिज्ञान शाकुंतल है, अभिज्ञान शाकुंतल के मुख्य मुख्य शब्दों को बताएं, पहले उसके संदर्भों को बताएं कि अभिज्ञान शाकुंतल जो है महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ नाटक है, यह 7 अंकों में लिखा गया है, इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन किया गया है, तो यह संदर्भ है। जब इस बात को बताएंगे तब आगे आप पढ़ेंगे शब्द कोशों को, सम्यक उच्चारण करेंगे, छंद ज्ञान करेंगे। सबसे पहले जो होता है साहित्य शिक्षण में, पाठ के संदर्भ को जानना आवश्यक होता है, उसके बाद शब्दकोश, फिर सम्यक उच्चारण और छंद ज्ञान। इसलिए इन चारों ऑप्शनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ उत्तर होगा बी, एकस्य शब्दस्य ज्ञानम नाम, एक शब्द का ज्ञान होता है, एक शब्द का ज्ञान का नाम क्या होता है। तो तस्य मूलस्य ज्ञानम, उसके मूल को ज्ञान, उसके मूल का ज्ञान अर्थात उसके जड़ को जानना, उसके रूप को जानना, उसके अर्थ को जानना, उसके वर्तनी को जानना। तो एक शब्द के ज्ञान को कहते हैं उसके अर्थों को जानना। जब एक शब्द के अर्थ को जानेंगे तब उसके मूल को आएंगे, तब उसके रूप को आएंगे, तब उसके वर्तनी को आएंगे। तो एक शब्द के ज्ञान को जानना जो होता है वह एक उसके अर्थ को जानना होता है, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही होगा। निदान परीक्षा क्रियते, निदान परीक्षा किया जाता है, क्या क्यों किया जाता है। तो निदानात्मक जो परीक्षा होती है वह किस लिए किया जाता है, रचनात्मक परीक्षा के लिए, सतत परीक्षा के लिए, विद्यार्थिन स्तरम ज्ञातुम, विद्यार्थियों के स्तरों को जानने के लिए। तो जो निदानात्मक परीक्षा होती है वह विद्यार्थियों के स्तर को जाना जाता है कि विद्यार्थी निम्न स्तर का है कि उच्च स्तर का है कि मध्यम स्तर का है। अगर मध्यम और निम्न स्तर का है तो उसके उसके निदान अर्थात उसके कमियों को जानना, जान करके दूर करना, कमियों को जान लेना ही निदान होता है कि छात्र किस स्तर का है, निम्न स्तर का है कि उच्च स्तर का है कि मध्य स्तर का है। जब उससे आप बात करके जानेंगे तो पता चलेगा कि यह किस स्तर का छात्र है।
तो विद्यार्थियों के स्तर को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षा की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। विद्यार्थियों के स्तर को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षा किया जाता है, न कि रचनात्मक परीक्षा के लिए और न ही सतत परीक्षा के लिए, न अंतिम परीक्षा के लिए। यह जो निदानात्मक परीक्षा होती है यह विद्यार्थियों के स्तर को जानने के लिए किया जाता है। तो मित्र, मैं आज आप सभी के सामने 10 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कई मित्र हमारे बहुत शिकायत कर रहे थे कि सर आप जो हैं 5-6-7 प्रश्न कराते हैं, तो आज मैंने लिखने का प्रयास किया है कि जिससे 10 प्रश्न आ जाएं। अब इससे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता है कि इस व्हाइट बोर्ड पर 10 से ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं। बहुत प्रयास करेंगे तो एक प्रश्न और आ सकता है बस, ठीक है। तो मित्र, 10-11 प्रश्न पर्याप्त है। मैं आपको प्रतिदिन संस्कृत भाषा शिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूँगा, ठीक है। और यह बात अगर अच्छी लगी हो तो चंद्रा इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।